यूट्यूब के चैनल में सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। तो शिक्षक नियुक्ति को लेकर दो खबरें यहाँ पे आ रही हैं। दोनों ही खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं, विस्तार से हम जानेंगे इनके बारे में। सबसे पहले खबर आ रही है जो थोड़ी सी अभ्यर्थियों को निराशा दे सकती है, सर्टिफिकेट की जाँच में फंस गया नियोजन पत्र। जी हाँ दोस्तों, सर्टिफिकेट की जाँच में जो है नियोजन जो है वो फंसता नज़र आ रहा है। अभ्यर्थियों को अब इंतज़ार है कि उनकी नियुक्ति पत्र उनके हाथों में हो, वो विद्यालय में योगदान करें, विद्यालय में जाकर पढ़ाएं। बिहार बोर्ड से अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की होगी अब जांच। सबसे पहले देखिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी, और सर्टिफिकेट के जाँच के बाद जो भी तथ्य सामने उभर के आएगा उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया है दोस्तों वो आगे बढ़ेगी। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अगर अभी तक आप इंतजारी में हैं कि कब तक आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो थोड़ा सा समय आपको नियुक्ति पत्र मिलने में और लग सकता है, क्योंकि विभाग शिक्षा विभाग ने सर्टिफिकेट की जांच करने के बाद नियुक्ति पत्र देने की बात कही है। वहीं हम बात करें गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिला में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन को की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को, यहाँ पे देख सकते हैं साफ तौर पर लिखा गया है, चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र मिलने का इंतजार। वर्ग 1 से 5, 6 से 8 के लिए आवंटित रिक्त पदों पर काउंसलिंग के दौरान, आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि देख सकते हैं कि 1883 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। दिशा निर्देश के अनुसार प्रमाण पत्रों की जांच चलने की बात कही जा रही है। शेड्यूल के मुताबिक इन्हें नियोजन पत्र नहीं मिल सका है। देख सकते हैं गाइस, अभी तक नियोजन पत्र जिन अभ्यर्थियों को नहीं मिला है वो तो इंतजारी में बैठे हैं कि भाई उनको जल्द से जल्द नियोजन पत्र दे दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि जल्द से जल्द नियोजन पत्र देने की जो बात कही जा रही है वो सरकार की मंशा पूरी होगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख दिया गया है कि सबसे पहले जो है वो सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। जबकि प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि भाई अभी जो है नियुक्ति पत्र जो है वो दे दिया जाए, वेतन का भुगतान रोक लिया जाए, और वेतन तभी दिया जाए जब यह स्पष्ट हो जाए कि अभ्यर्थियों का जो प्रमाण पत्र है वो सही है। तो ऐसा भी किया जा सकता है, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सर का यही कहना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है, और आप देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, 20 सितंबर तक की जाएगी काउंसलिंग के तारीख की घोषणा। आप देख सकते हैं कि न्यूज़ में ये खबर जो है सुर्खियों में बनी हुई है और काफ़ी इस खबर को महत्व भी दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे अलग अलग न्यूज़पेपरों में ये खबर आई है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि पहले सर्टिफिकेट की जाँच होगी और उसके बाद जो है वो नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम आगे होगा। आगे देखिए, शिक्षक नियोजन के फर्जीवाड़ा का संदेह दूर करने के लिए आज से लगेगा कैंप। ये कैंप लगाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जिस भी विद्यालय में कैंप लगाया जाएगा वहाँ पे अभ्यर्थी पहुँचेंगे और वहाँ जाकर जो है अपने सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आदि की जांच कराएंगे। जब जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाएगी, जाँच बिल्कुल स्पष्ट होगा, साफ़ सुथरा होगा, तब जाकर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो देख सकते हैं इसमें भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि सबसे पहले जो है इस संदेह को दूर किया जाएगा, कैंप के माध्यम से जो है सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी, छोटे छोटे यूनिट तैयार किए जाएंगे, सभी यूनिटों में अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और उनके सर्टिफिकेट का जांच किया जाएगा। कई सारे 121 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनमें यह संदेह है कि उनका सर्टिफिकेट जो है TT का वो गलत है, तो इसका भी जांच पड़ताल किया जाएगा, और जांच पड़ताल में जैसे ही ये स्पष्ट पाया जाता है तब जाकर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो शिक्षक नियोजन में किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा के लिए अब आप ही जिम्मेदार होंगे। आप देखिए लाइव न्यूज़ पे अपडेट आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, शिक्षक नियुक्ति को लेकर 6ठे चरण की काउंसलिंग की शुरुआत। और हम लोग तो ये चाह रहे थे कि भाई कि जल्द जल्द खबर आए, इस प्रकार की कोई भी खबर आए जिसमें कि ये पता लग जाए कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो कब से प्रारंभ हो रही है। तो खबर आ चुकी है, देख सकते हैं बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि बड़ी खबर है,
जल्द से जल्द काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तीसरे फेज की काउंसलिंग को लेकर जल्द डेट जारी किया जाएगा। 20 सितंबर तक काउंसलिंग की तिथि घोषणा होगी। तो देख सकते हैं गाइस, 20 सितंबर तक कहा जा रहा है कि भाई काउंसलिंग की तिथि घोषणा कर दी जाएगी। अच्छी अपडेट है, जो अभ्यर्थी लंबे अरसे से इस इंतजारी में थे कि भाई कब तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है, देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है, बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर छठे चरण की बहाली की काउंसलिंग फिर से शुरू होने जा रही है। तो साफ तौर पे अच्छी खबर है। दूसरी ओर फर्जी टेट सर्टिफिकेट पर बहाली की होगी जांच। तो सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि फर्जी टीटी सर्टिफिकेट जो है उसकी पहले जांच कराई जाएगी। सर्टिफिकेट की जांच के उपरांत जो है अगर कहीं पे गड़बड़ी नहीं पाई जाती है, सर्टिफिकेट में गड़बड़ी नहीं पाई जाती है, तो नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो बड़ी अपडेट है, पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, फिर से हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।